हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 200, आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लाया गया और मीडिया से कहा गया कि अब इलेक्शन की बेमानी के बारे में चर्चा नहीं होगी। किराड़पुरे की राम मंदिर को बचाने के लिए अगर इम्तियाज जलील जा सकता है, तो अजमेर शरीफ की दरगाह बचाने के लिए भी हम जा सकते हैं। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200, इतने वोट, आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? इनके रैली में किसे भेजा जा रहा था? इनके रिक्शे कैसे दौड़ रहे थे? कौन दौड़ा रहा था? मैं उस वक्त भी चीख चीख कर ये कह रहा था कि ये सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम उम्मीदवारों को दिया जा रहा था। और आखिरी के 3 दिनों के अंदर वो उम्मीदवार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उनको पैसा इसलिए दिया गया था कि इलेक्शन के दिन दोपहर में 3 बजे के बाद मजलिस के जो गढ़ है, मजबूत इलाके हैं, वहां पर जाकर माहौल खराब करो। कभी इस बात के ऊपर गौर करिएगा, सोचिएगा कि हम कहां जा रहे हैं। जब जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उस दफ्तर के अंदर जब रेड हैंडेड जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, तो बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा कि महज 1500 रुपया हासिल करने के लिए बुर्खा पहनी हुई हमारी माएं और बहनें उस दफ्तर के अंदर पाई गई। हमारे ही किसी नौजवान को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी तो मुसलमान औरतों को यहां पर लेकर आएंगे, 500 रुपये कमीशन दिया जा रहा था। 1500 रुपये वोट खरीदने की कीमत दी जा रही थी। इख्तिलाफ आपका मुझसे हो सकता है, इख्तिलाफ नासिर सिद्दीकी साहब के साथ हो सकता है, लेकिन 5 साल जो कौम का इतना बड़ा नुकसान किया गया है, उस दौर के अंदर जहां पर चुनकर आने के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सारे लोगों ने यह बात का एतराफ किया कि इतनी सारी सीटें आई कैसी भारतीय जनता पार्टी की। कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा, आखिरी घंटे में जो वोटिंग में धांधलियां की गई, ये सवाल उठाए जा रहे, इसको डाइवर्ट करने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लाया गया और मीडिया से कहा गया कि अब इलेक्शन की बेमानी के बारे में चर्चा नहीं होगी, अब अजमेर शरीफ की दरगाह चर्चा का मुद्दा बनाया जाए करके। मैं उस हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, किराड़पुरे की राम मंदिर को बचाने के लिए अगर इम्तियाज जलील जा सकता है, तो अजमेर शरीफ की दरगाह बचाने के लिए भी हम जा सकते हैं। यकीनन हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मायूसी कुफ्र है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हमारे हौसलों को बुलंद रखना है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं, लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि किस तरह तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ जाती है मजलिस को गिराने के लिए। वो गुस्सा
इंशाल्लाह आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन रहेंगे, आपको मुत्तहिद होकर एक ताकत बनकर मजलिस के साथ खड़े रहना है।